हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने गोले के व्यापक समीकरण को देख लिया है, हमने इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को देख लिया है और अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गोले के व्यास के रूप के समीकरण को। तो हमारा यहां टॉपिक है व्यास रूप में गोले का समीकरण। डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। हम मान लेते हैं कि एक गोला जिसके जो डायमीटर है उसके कोऑर्डिनेट्स, जो सिरे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू है। मान लिया ये बिंदु ए और बी है। अब मैं गोले के एक बिंदु को लेता हूं और उससे इस बिंदु को मिला देता हूं। मान लिया ये बिंदु पी है और P को मैंने A से और B से मिला दिया, तो स्पष्ट है कि ये एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार यदि गोले पर मैंने एक बिंदु ले लिया तो ये कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। अब जो AP और PB, इनके जो दिक अनुपात होंगे उनमें क्या रिलेशन होगा? लंबवत का रिलेशन होगा, अर्थात a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये वाली कंडीशन लगानी है। तो AP लंबवत है BP के, इसलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 सूत्र से। एपी के जो दिक अनुपात है, मान लिया पी बिंदु के निर्देशांक हम एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एपी के दिक अनुपात एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन तथा बीपी के दिक अनुपात इसी प्रकार हो जाएंगे एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू जेड माइनस जेड टू, और इन पे हमने परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा दी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अतः जो गोले का समीकरण हो गया, गोले का समीकरण एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये तो हो गया a1 a2 प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू बराबर 0। ये हमारे गोले का अभिष्ट समीकरण हो गया, जिसे हम व्यास रूप में गोले का समीकरण बोलते हैं। अब हम एक सवाल करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। प्रश्न है, यदि किसी गोले के व्यास के सिरे 2, -3, 4 तथा -5, -6, -7 हो तो गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहां हमें x1, y1, z1 तो ये मिल गया, x2, y2, z2 ये मिल गया, तो इसलिए गोले का समीकरण क्या हो गया? गोले का समीकरण एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, तो ये हो गया एक्स माइनस दो इंटू एक्स प्लस 5 प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू वाई प्लस 3 वाई माइनस 6 प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू,
अर्थात z माइनस फोर इंटू जेड प्लस सेवन, दिस इज इक्वल टू जीरो। सरल कर लेते हैं इसको, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री वाई माइनस एटीन प्लस जेड स्क्वायर प्लस सेवन जेड माइनस फोर जेड माइनस ट्वेंटी एट, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहां कितना आ गया माइनस का थ्री वाई प्लस थ्री जेड। अचर पदों को देख लें, माइनस दस यहां आ गया माइनस अठारह और ये है माइनस अट्ठाईस, कितना हो गया माइनस का छप्पन। तो माइनस छप्पन बराबर जीरो, ये हमारा गोले का अभिस समीकरण होगा।